हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 14 पादप और जंतुओं के आर्थिक महत्व का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने सब्जियों और फलों के वानस्पतिक नाम पढ़े थे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है औषधीय पादप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम औषधीय पादप के वैज्ञानिक नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने सब्जियों में हमने पढ़ा था कि मूल से प्राप्त, स्तंभ से प्राप्त, पर्ण से प्राप्त, ऐसे ही औषधीय पादप भी पादप के अलग अलग भागों से प्राप्त होते हैं, जैसे जड़ से, तना से, पर्ण, पुष्प, फल, बीज आदि से। औषधीय महत्व के पादप होते हैं, उनमें रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनका मेडिकल में या चिकित्सा में इनका क्या होता है, उपयोग होता है आयुर्वेद चिकित्सा में। तो कुछ पादप हैं जैसे स्तंभ से प्राप्त में हल्दी क्या है, स्तंभ है, और उसका वैज्ञानिक नाम है कुरकुमा लोंगा। अदरक, जिजिम्बर ऑफिसिनेल, लहसुन एलियम सेटाइवम, गूगल कॉमीफोरा वाइटाई। तो ये स्तंभ से प्राप्त होने वाले औषधीय पादप थे जिनके ये वैज्ञानिक नाम है। इनमें हल्दी का, गूगल का, अदरक का, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब है मूल से प्राप्त, जड़ों से जो प्राप्त होते हैं, पहला है सर्पगंधा रॉ वॉल्फिया सर्पेंटाइना, अश्वगंधा वीथानिया सोमनी फेरा, ये इनके वैज्ञानिक नाम है। अब है छाल से प्राप्त, छाल जो होती है ना पादप के ऊपर, जो छाल होती है तने के ऊपर जो मोटी बनती है, उसमें पहला है कुनेन। आपको पता है कि मलेरिया के अंदर जब मलेरिया हो जाता है तो उसमें कुनेन की गोली दी जाती है, तो कुनेन का वैज्ञानिक नाम है सिंकोना ऑफिसिनेलिसिस। अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना, तो ये किससे प्राप्त हैं, छाल से प्राप्त पौधे हैं। अब है आपके पर्ण से प्राप्त, पत्तियों से जो प्राप्त होते हैं, ग्वारपाठा। आपको पता है ग्वारपाठा बहुत आयुर्वेद में उसका बहुत महत्व होता है और ग्वारपाठा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ग्वारपाठा का है एलोए वीरा, वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, एलोए वीरा। तुलसी ओसिकम सैनकेंटम, अब आपको पता है तुलसी भी बहुत उपयोगी पादप है जिसकी पत्तियों का यदि हम रोज चाय के अंदर या उबाल कर उसको पिए तो इससे हमारी इम्यूनिटी पावर क्या होती है, बढ़ती है। अब है फल से प्राप्त अफीम पैपेवर सोमनीफेरम, तो फल से प्राप्त आपको पढ़ाया था पहले भी अफीम के बारे में कि जो दर्द निवारक दवा होती है उनको बनाने में किसका उपयोग होता है, अफीम का। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट है आंवला एम्बेलिका ऑफिसिनेलिसिस। तो आपको ये औषधीय पादप जितने भी हमने पढ़े हैं, स्तंभ से प्राप्त, मूल से प्राप्त, पर्ण से, फल से और छाल से प्राप्त, जो है इनके औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अब नेक्स्ट है निर्माण संबंधी महत्व के पादप हम पढ़ेंगे, उसमें पहला कौन सा है, रेशे उत्पादक पौधे, जिनसे क्या होते हैं, रेशे निकलते हैं और रेशों से क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, बोरी है, रस्सी है, ये सब किससे बनाए जाते हैं, रेशे से। पादप के विभिन्न भाग जैसे तना, पर्ण, बीज आदि से मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है, उनके ऊपर एक मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है जिससे वस्त्र, बोरे, रस्सी आदि बनाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेशे कहते हैं। जैसे आपको पता है नारियल के ऊपर जो मोटी जो भित्ति युक्त संरचना होती है उसको निकाल कर उससे क्या बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है। तो कुछ जो रेशे हैं उनके नाम है जूट कोरकोरस कैप्सुलेरिस, कपास गोसिपियम, कपास की फूल देखे होंगे आपने, कपास उगता है जब तो रुई जिसको हम कहते हैं उसे फिर उसको काट करके उससे क्या बनाया जाता है, गोसिपियम उसकी वैज्ञानिक नाम है, और उससे क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। नारियल कोकस न्यूसी फेरा, ये आपको वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं। नारियल के ऊपर का जो रेशे होते हैं उससे क्या बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है, बोरी बनाई जाती है। अब है आपकी इमारती काष्ठ, काष्ठ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बड़े बड़े पेड़ आपने देखे कि जिनमें इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जो हमारे घरों में हम जो फर्नीचर हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, जो हम बनाते हैं वो किससे बनती है, सब काष्ठ से। लेकिन काष्ठ होती क्या है, पहले तो बहुवर्षीय बीज पत्री एवं अनावर्त बीजी वृक्षों से बनने वाले द्वितीयक जाइलम को हम क्या कहते हैं, काष्ठ कहते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि काष्ठ किसे कहते हैं, तो बहुवर्षीय बीज पत्री एवं अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, ये सब आप 9th में पढ़ गया है, वृक्षों से बनने वाले द्वितीयक जाइलम को हम क्या कहते हैं, काष्ठ कहते हैं।
वह काष्ट जिससे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इमारती काष्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ काष्ट हैं उनके वैज्ञानिक नाम पढ़ रहे हैं। तो पहला है जैसे सागवान, आपको पता है सबसे महंगी जो काष्ट होती है वो किसकी होती है, सागवान की। सागवान की जो लकड़ी होती है वो सबसे महंगी आती है और इसका वैज्ञानिक नाम है टैकोना ग्रैंडिस। शीशम डलबर्जिया सिसु, रोहिड़ा या मारवाड़ सागवान, राजस्थान मारवाड़ में रोहिड़ा को सागवान माना जाता है मारवाड़ का, और इसका वैज्ञानिक नाम है टैकोमेला अंडू लेटा, और इसको राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए राजस्थान के राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो राजस्थान का राज्य पुष्प किससे निकलता है, रोहिड़ा या मारवाड़ सागवान से, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, टैकोमेला अंडू लेटा। इसी तरह से खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरेरिया, राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष। अब क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसके बाद में देवदार, सीडस देवदारा वैज्ञानिक नाम। तो अभी हमने ये जो वैज्ञानिक नाम थे सारे कहाँ से स्टार्ट किए थे, आपको पता है, फलों से, सब्जियों से। इसके पहले हमने अनाज पढ़ी, दाल पढ़ी, पेय पदार्थ पढ़े, इसके बाद में है आपके औषधीय पादप आ गए, फिर निर्माण संबंधी पादप में रेशे उत्पादक पादप, काष्ठ पादप, ये यहीं तक आपके वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, इन सब के बारे में आगे इस चैप्टर में यही है। तो यहाँ जितने भी आज तक जो आपको वैज्ञानिक नाम लिखा है पादपों के, वो सभी आपको अच्छी तरह याद करने हैं, और जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं उनको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।